गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, जस्ट अभी अभी नहा के आया हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के अराउंड 1:45, तो काफी सही टाइम हो रहा है। बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, एकदम कड़क धूप निकली है सर्दियों के दिन में। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं नीचे, और गाइज मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम के अराउंड गोल्डी देख रहा होता है टीवी, बट एज पर माई अजम्पशन। तो लेट्स चेक आउट की गोल्डी क्या कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे छत पे नानी नाना जी भी है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। नानी यहाँ बैठी है, क्या कर रही है नानी? गाजर छिल रहे हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा? हाँ, अब सीजन जा रहा है ना, फिर गाजर। इतने सारे गाजर से कितना हलवा बनेगा? बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा सबके लिए। सही है। नाना जी भी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। नाना जी, हाँ। आज का क्या प्लान है? आज का क्या, अभी घूम रहे हैं। आज कोई मैच आएगा इंडिया का? आज नहीं है, 9 तारीख को है। किसका? वेस्ट इंडीज और इंडिया। अच्छा, हाँ चलो फिर ठीक है, अभी तो नीचे जा रहा हूँ। सही धूप आ रही है इधर वैसे। और यहाँ पे नाना जी का बिस्तर छत वाला और कुर्सी भी लगी है, इधर मैं बैठा था। चलो नीचे चलते हैं। क्या देख रहे हैं? मूवी तेल। एक सरप्राइज पार्टी प्लान करी हमने। क्या सीक्रेट है? देखेगा ऊपर चल के। हाँ, ओ सरप्राइज पार्टी इतनी बढ़िया है ना गोल्डी। छत पे ही है ना। हाँ, छत पे ही है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। हटो तुम, मेरे को तो यहाँ पे है गाइस हमारी पार्टी। गोल्डी कैसी है पार्टी? कितनी मस्त पार्टी है भैया। अब देख, कुरकुरे भी रेडी रखे हमने, जूस भी रेडी है। वाह, देखो टीवी से उठाया, मानना पड़ेगा, बट देख कितनी मस्त पार्टी है। बता, वर्थ था कि नहीं टीवी से यहाँ पे आना? था भी नहीं भी था, मतलब दोनों चीज थी। वर्ड्स का मतलब पता वैसे तेरे को? हाँ, फायदे था। फायदा था भी और नहीं भी था। अरे तुम मत ही, वो फायदा तो है ही है, जो ये चीज खाने पीने को जो मिल रही। पी पहले आप पियो। पी लो मेरे तरफ नाना जी, अलग है मेरी तरफ से। पी धूप पे ठंडी चीज की मजे ले। चल, बहुत ठंडा है, मजा आ। गाइस कल गोल्डी बहुत परेशान था इस चीज की वजह से, उसे पार्टी मिल रही है यहाँ पे। अरे भैया मैं तो ठीक हूँ, परेशान थोड़ा ना हूँ अब मैं। हाँ अब नहीं है, पहले तो था। पापा को अब वो कुछ रीजन पापा से रिलेटेड है, तो अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं फाइनली रीजन भी रिवील कर देता हूँ कि कल हमारा मूड क्यों ऑफ था। वैसे कुछ इतना बढ़िया रीज़न नहीं है, क्योंकि गाइस ये रीज़न था क्योंकि पापा कल जो थे स्लिप हो गए थे, और वो भी टाइल पे, तो सोच सकते हो कितना दर्द हो रहा होगा। तो वो भी पूरे बैक के बल गिर गए थे, तो उनका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बैक में, और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। नाई नाना जी और मतलब गोल्डी तो इतना मस्त रहते ही है, बट वो भी हो रहा था पहली बार मेरे को ऐसे देख के लगा। और मम्मी भी परेशान ही थी, बट फिर पापा ने थोड़ी दवाई वगैरह ली और उनका पेन थोड़ा कम हुआ है अभी, तो अभी ठीक है। बस ऐसे ही पापा ठीक रहे, यही चाहता हूँ मैं तो। आज गाइस पापा बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हड्डी वगैरह की दर्द होती है ना, इनमें टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा रिकवर होने में। बट तो चलो, अभी पापा थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैं जूस दे आया था, उनको भी पार्टी करा दी थी। तो चलो फाइनली चलते हैं नीचे। और हाँ, अगर उसके बाद मैं आपको पापा से भी मिलाऊंगा, अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं, तो बाद में दिखाता हूँ उन्हें। तो गाइस जब पापा अभी रेस्ट कर रहे थे, मैं बीच में आ गए, सॉरी पापा। तो ठीक हो पापा, अब बेटर फील कर रहे हो? पहले से थोड़ा बेटर, बस अब चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल, कल तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे थे। दो रहा एक्चुअली बैग में बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कोई नहीं, आप रेस्ट कर लो फिर। आज के दिन पापा रेस्ट करेंगे। हाँ भी एटलीस्ट 2 दिन तो करना पड़ेगा रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट 2 दिन, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। सो गाइस लंच टाइम हो चुका है, आज लंच में बने हैं हमारी पहाड़ी दाल। कैसी हो रही है नाना जी? धुप के। कैसी हो रही है? बहुत अच्छा पहाड़ी दाल है अपनी, ज्यादा अच्छी तो लगेगी। मुझे अभी नानी बैठ के लंच कर रही हूँ। तो गाइस अभी गोल्डी और मैं आ रखे थे पार्क में, तो तभी मेरे को एक डिस्कशन का टॉपिक आया याद, कि गाइस हम लोग के साथ ना ऐसा, मतलब कि मैं सोच रहा था कि गोल्डी अगर हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर कोई बीमार होता है या किसी चीज़ से परेशान होता है, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हमारा
अब बोलने की समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं उसको। तो गाइस हमारा कुछ ऐसे ही रिएक्शन होता है, मतलब कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें भी उसका दुख लेने का मन करता यार। बट हम ऐसा होता है कि अगर मान लो एक फैमिली मेंबर को परेशान या बीमार जाता है तो हम सब उसका दुख लेने को तैयार जाते हैं और हम सब सबका मिलके करना चाहते हैं। तो गाइस हाँ मैं ये बोलता हूँ यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और हम अपना लव और अफेक्शन दिखाते हैं उनके लिए, जिससे पता चलता है कि हम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं, जो कि प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता है। क्यों गोल्डी? सो गाइस गोल्डी और मेरे घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे चाय टाइम चल रहा है। आपको गोल्डी के बिना चाय नहीं मांगी तू ना आके? और आ तो फैंटा पी ली तूने, वैसे फायदा क्या? वे आई चाय। तो यहाँ पे देख सकते हो नानी नाना जी फुल चाय टाइम चल रहा है, दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और मम्मी यहाँ पे चाय बनाने वाली। क्या बनाने वाली? ये लो ये पापा को दे आओ जरा। ओ लो पापा आप ले ये अनार। थैंक यू। अब ठीक फील कर रहे हो? हाँ थोड़ा सा बेटर। चल गोल्डी थोड़ा सा और बेटर फील कर रहे हैं पापा। तो गाइस कल सुबह जब पापा की ज्यादा दर्द हो रही थी तब नाना जी और मैं मिलके ये लेके आए थे वाटर बैग से, काफी रिलीफ मिलता है। देखो लिखा भी हुआ है जॉइंट्स के लिए बढ़िया है। तो नाना जी और मैं लेके आए थे। हाँ साथ में गोल्डी भी। मैं पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे देख सकते हो, तो मेरे क्लास वाले आंसर की देख लो। ओ, ओ, गलत चीज दिखा जैसे। चलो गाइस यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मेरा गाजर का हलवा भी आ गया है, तो पढ़ाई करा करो गाइस, कुछ ना कुछ आपके लिए भी आ ही जाएगा। तो चल जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा खाना। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है व्लॉग को एंड करने का। तो आज के दिन करिए हमने बहुत ज्यादा मजे, और थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे थे कल के टाइम पे, बट आज थोड़ा अच्छा लग रहा है कि पापा की तबीयत और ज्यादा बेटर होती जा रही है। यहाँ पे गोल्डी पापा के लिए वो लगा रहा है बैग, क्या नाम होता है गोल्डी इसका, इलेक्ट्रिक वाटर बैग। हाँ, वाटर इससे पापा को रिलीफ मिलेगा थोड़ा। तो चलो सही है गाइस, अभी फिलहाल गोल्डी तो है नहीं ब्लॉग एंड करने के लिए, मैं ही कर देता हूँ। तो गाइस होप आपको आज का ब्लॉग, तो गाइस होप आप बोले थे। सो गाइस आज का शॉर्ट आउट जाता है आर्यन गिल्डियाल को, तो उनका आज बर्थडे भी था, तो हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे आर्यन भैया। चल गोल्डी केक खाने में जाने में क्या? मजाक था गाइस। तो चलो गाइस आज तो खैर पापा की भी तबीयत अभी थोड़ी सी बेटर तो हुई है, बट पापा के लिए लाल हार्ट स्पैम कर देना, एकदम गेट वेल सून लिख देना चैट में, ताकि पापा को भी अच्छा लगे। ये तो भर के स्पैम कर दे। हाँ लाल हार्ट पसंद आएगा, पसंद आएगा समझ नहीं आई भाषा, समझ नहीं आई। चलो गाइस बाय, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर, बीच में कबूतर उड़ रहे। चल गोल्डी तू ही कर दे व्लॉग। तो अब आपको व्लॉग बनाना।